Hello dear student, myself Hetal Goswami from Ma Ashapura Vidya Sankul. Today we will learn standard 10th subject essays and our topic is chapter number 10 India Agriculture. यानि कि भारत के अंदर जो कृषि है उसके बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से खेतों के अंदर अलग अलग जो अलग अलग टाइप्स के जो फार्मिंग है वो की जाती है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. चैप्टर को स्टार्ट करते हुए पेज नंबर 76 पे आप देखें तो प्राचीन काल से ही फार्मिंग है वो भारत के सबसे ज़्यादा हम देखें तो आर्थिक प्रवृत्ति रही हुई है. आज भी हम भारत की अर्थव्यवस्था को अर्थव्यवस्था है उसकी जो मेन बात है वो कृषि को ही देते हैं. जो खेती है वो भारत का एक महत्व का संसाधन है. हम श्रम शक्ति के सबसे ज़्यादा यानी कि 16% लोग हैं वो खेती के कार्य में ही जुड़े हुए हैं. अब यहाँ पे 100 में से 16% है वो कहाँ जुड़े हैं तो खेती के साथ ही जुड़े हुए हैं. भारत में लोग सिर्फ खोराक को ही अपनी खोराक पाने के ही उपरांत उद्योग और विविध प्रकार का जो कच्चा माल होता है उसके लिए भी यहाँ पे खेती का उपयोग करते हैं. क्लियर. तो राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का लगभग हम देखें तो 22% हिस्सा होता है. निकास में भी हम देखें तो खेती पाक और खेत पैदाशों के लगभग 18% का हिस्सा होता है. देश में हर वर्ष विदेशी हुंडियामर जो आता है उसको प्राप्त होता है. किसके कारण होता है? ये जो खेती होती है उसका राष्ट्रीय उत्पादन 22% होने के कारण और ये जो परदेशों में 18% जाता है जिसका विदेशी हुंडियामर भी देश को प्राप्त होता है. भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यत्व खेती के आधार पर रही है. इसके कारण भारत है वो आज भी दस इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री. ओके, आज भी इंडिया है वो कैसा देश है? कृषि प्रधान देश माना जाता है. किसके कारण? तो भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा 16% जो लोग हैं वो खेती से साथ ही जुड़े हुए हैं. इसका 22% राष्ट्रीय उत्पादनों में जाता है जिसमें से 18% है वो बाहर जाता है यानी कि हम देखें तो विदेशों में जाता है जिसके कारण हमें विदेशी पैसा भी मिलता है. तो इसकी हुंडी भी है वो देश को बहुत ही यूज में आती है. फलद्रुप मैदान के बारे में हम देखें तो जो फलद्रुप मैदान होते हैं उनके ऊपर 12 मास हम देखें तो 12 महीने हैं वो क्या कर सकते हैं? उनके अनुरूप जो क्लाइमेट होता है जो सिंचाई होती है कुशल और जो मेहनत खेलने वाले जो खेडूत होते हैं ये सारे लोग भारत के सबसे ज़्यादा विस्तारों में 2 से भी ज़्यादा प्रकार के वावेतर एक ही उनकी ज़मीन में कर सकते हैं जिसके कारण भारत में खेती के क्षेत्र में उसका जो विकास है वो संपूर्ण रूप से होता गया. जिसको हम देखें तो कभी कभी एक ही रूप से अगर उसकी जानकारी न होने के कारण क्या हुआ तो ऐसी प्रक्रियाओं में विघ्न आता गया. तो हम यहाँ पे देखें तो भारत के जो खेडूत हैं जो भारत के जो किसान हैं वो क्या करते हैं? गरीब और निरक्षर हैं जिसके कारण उसकी जो सिंचाई की जो आपूर्ति उसकी जो सगवड़ होती है उसके कारण क्या हो जाता है? तो कभी कभी उसे अनियमितता और अनिश्चित बारिश के कारण भी बहुत सारी बस्ती के कारण उनका जो परिवार है उनका जो घर है उसका जो कद है वो भी सबसे ज़्यादा होने के कारण छोटे छोटे कद के खेतरों के कारण प्रयोगशीलता के प्रति के उदासीन ये रासायनिक खातर जो बियारण होते हैं आधुनिक यंत्र होते हैं वैज्ञानिक कृषि का पद्धति का भी यूज़ ओछा होता है. इसके बाद हम देखें तो शिक्षित वर्ग में भी ऐसी खेडूतों के कारण जो समाज के अंदर क्या हो जाता है तो उनका जो दर्जा है वो वैश्विक रूप से हमारे सामने इसी तरह से नहीं आता जिसके कारण भारत है वो उत्पादनों में भी आज भी पीछे माना जाता है. तो हमें क्या करने का है? तो ये जो खेती है उसको महत्व का व्यवसाय तो माना है पर ऐसे व्यवसाय के कारण जो इंडिया के जो खेतों में जो मजदूरी करने वाले जो खेडू हैं उनको किसान हैं उसको हमें अच्छी तरह से उनकी जो अलग अलग तरीके जो प्रवृत्तियाँ हैं वो हमें मिल सके उसके बारे में हमें सोचना चाहिए.
तो ये हमने अभी देखा कि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर के बारे में क्या क्या दिखाया गया कि भारत है वो कृषि प्रधान देश माना जाता है, तो एग्रीकल्चर कंट्री माना जाता है, जिसके कारण भारत में कृषि को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग यानी जो कृषि है, जो खेती करते हैं, उसके प्रकार क्या हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रकार दिखाए गए हैं जो हम यहाँ देखें, तो एक तो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सेकंड है ड्राई फार्मिंग, थर्ड है वेट फार्मिंग, फोर्थ है जूम एग्रीकल्चर यानी कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, प्लेटिसिंग एग्रीकल्चर और इंटेंसिव एग्रीकल्चर यानी कि इंटेंसिव फार्मिंग के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट है, तो यहाँ पे हम देखें तो भारत के ये जो लोग हैं वो सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या है, तो उनकी जो आर्थिक स्थितियाँ हैं वो बहुत कम होने के कारण राष्ट्रीय राजनीतियाँ, उनके भारत का समग्र ही अर्थतंत्र, उनकी खेतियाँ, इन सारी चीज़ों के कारण यहाँ पे जो सिंचाई की पद्धतियाँ हैं, खेत के पैदाश करने की जो स्थितियाँ हैं, आर्थिक उनकी वर्तन है, ये सारी बातें खेती को प्रकारों में यहाँ पे हमें दिए गए हैं। जीवन, कुछ लोग करते हैं जीवन निर्वाह के लिए खेती करते हैं, तो यहाँ पे है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसके अंदर हम देखें तो आज़ादी के बाद आयोजन पंच ने कुछ ऐसा किया कि खेत विकास और उनकी योजना का अमलीकरण किया, जिसके कारण क्या हुआ, तो भारत के जो खेड़त जो किसान हैं वो आर्थिक स्थिति में उनका जो प्रमाण है वो बहुत ही कम था, जिसके कारण छोटे छोटे कदों में जो खेतर हैं, जो किसान के जो खेत हैं वो क्या हुआ, तो उनकी योजनाओं का अमल है उनको लाने के लिए यहाँ पे जंतुनाशक का जो यूज़ है वो उन्हें कम नहीं लगता, क्योंकि वो उसे नहीं पहुँच पाते थे, जिसका कारण क्या था कि उनकी आर्थिक जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, तो इसके कारण खेत के अंदर उनके जीवन निर्वाह के लिए अनाज का उत्पादन करने के लिए परिवार की उपयोगिता को भी किया जाता था, कुटुंब के अंदर उनका भरण पोषण है वो अच्छी तरह से हो उसके लिए इनका ये जो यूज़ है हो जाता था। जीवन निर्वाह की खेती और आत्मनिर्वाह की खेती दोनों में ही डिफरेंसेस हैं, क्यों कि भारत में आज भी खेती है वो सबसे ज़्यादा विस्तार में जीवन निर्वाह की प्रवृत्ति के लिए ही किया जाता है। तो आपने देखा किस तरह से ये जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है वो जारी जाती है, यानी कि भारत में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना जो जीवन है वो किस तरह से बिताते हैं, तो खेती को अपने जीवन निर्वाह का ही कार्य ही वो मानते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है ड्राई फार्मिंग। अब ये जो ड्राई फार्मिंग क्या है वो हम देखें तो वर्षा जो बारिश है वो कम होने के कारण जो सिंचाई की जो आपूर्ति जो सगवण होती हैं उनको जो यूज़फुल नहीं होता, सिर्फ बारिश पे ही वो लोग टिके होते हैं, ऐसी जगहों के विस्तारों में ज़मीन के अंदर जो संग्रह हुआ जो भेज होता है वो ऐसे पाकों के लिए माना जाता है, जिसे हम ड्राई फार्मिंग के नाम से जानते हैं, जहाँ पर क्या क्या होता है, तो जो ज्वार होती है, जो बाजरी होती है, कठोर होता है, ऐसी ये जो सारी जगह है वो पानी की कम जरूरियात वाले पाकों में ही निश्चित हो जाती है। गुजरात के अंदर भाल प्रदेश के अंदर ये जो बारिश का जो समय पूरा होने के बाद जो भेज वाली ज़मीन है वहाँ पे गेहूँ और ये जो चने का जो पाक है वो बनाया जाता है। तो क्लियर, देखा आपने किस तरह से ये जो ड्राई फार्मिंग है वो महत्व की बताई गई है। इसी तरह से सेकंड है कि वेट फार्मिंग, तो ये वेट फार्मिंग क्या है उसके बारे में हम देखें, तो जहाँ पे बारिश का प्रमाण सबसे ज़्यादा हो और सिंचाई की सगवड़ भी ज़्यादा हो ऐसे विस्तारों में ये जो वेट फार्मिंग है वो की जाती है। बारिश न हो या कम हो या सिंचाई है वो हर वर्ष से एक साल ज़्यादा क्या होता है, तो यहाँ पे होता है, तो इसी जगह पे जो डांगर है, अब देखें तो जो सिरड़ी होती है, फिर हम देखें तो कपास है, गेहूं है, ऐसी अलग अलग जो सब्जियां हैं ये सारी चीज़ों का यहाँ पे समन्वय किया जाता है। अब देखें यहाँ पे तो वर्जिन पेड़ी है, शुगर कैन है, कॉटन है, वाइट है, वेजिटेबल्स हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी ड्राई यानी कि ये जो वेट फार्मिंग है वहाँ पे लगाई जाती हैं। उसके बाद का हमारा टॉपिक है वो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यानी कि जो स्थानांतरित करने वाली जो खेती है उसके बारे में हम देखें, तो इस प्रकार की खेती के अंदर जंगलों के अंदर
ट्री को काट के उसको जला देते हैं, फिर जमीन के अंदर खेती किया जाता है। यहाँ 2-3 साल तक खेती हो सकती है। जमीन की फलद्रुपता घटते ही इसका विस्तार छोड़ के कोई और जगह पे खेती शुरू करने लग जाते हैं। इसे हम जूम खेती के नाम से जानते हैं, यानी कि स्थानांतरित जो खेती होती है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है, उसके नाम से हम उसे जानते हैं। इस खेती के अंदर धान्य के पाक हैं, अलग अलग प्रकार के जो वेजिटेबल्स हैं वो यहाँ पे उगाए जाते हैं। खेती का उत्पादन बहुत ही कम किया जाता है। क्लियर? किस तरह से हमने ये सब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है उसके बारे में देखा। उसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, यानी कि जो बागायती खेती होती है उसके बारे में हम यहाँ पे देखें। तो ये जो बागायती खेती होती है वो इस प्रकार की खेती है जहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं वो होती हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो जो रबर है, टी है, कॉफ़ी है, कोको है, कोकोनट है, एप्पल है, मैंगो, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, आंवला, लेमन, खारक होती हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं, ऐसे फलों की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही यूज़फुल, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से उगाई जाती चीज़ें होती हैं। तो इस प्रकार की खेती में मूड़ी रोकान, कुशलता और तकनीकी ज्ञान, यंत्र, उनका जो खातर होता है, सिंचाई होती है, परिरक्षण होता है, संग्रहण और परिग्रहण करने की, प्राप्त करने की जो स्थितियाँ होती हैं वो इस तरह से होनी चाहिए, जिसके कारण ये जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है उसे हम अच्छी तरह से निभा सकें। तो देखा आपने किस तरह से, पहले तो हमने देखा कि सब्टेंशन फार्मिंग, फिर है ड्राई फार्मिंग, वेट फार्मिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में हमने देखा। तो अलग अलग ऐसी ये जो स्थितियां हैं, अलग अलग जो खेतियां हैं उनके प्रकार के बारे में हमने देखा। आगे का हमारा जो टॉपिक है वो है, आप नेक्स्ट पेज पे आएं तो इंटेंसिव फार्मिंग, यानी कि जो सघन खेती होती है उसके बारे में हम यहाँ पे देखें। तो ये जो सघन खेती है वो क्या है? तो यहाँ पे ये जो जड़ सिंचाई की जो सुविधाएं होती हैं, जिस जगह पे रासायनिक खातर होते हैं, फिर कीटनाशक और विविध प्रकार के यंत्रों का उपयोग करके यहाँ पे यांत्रिकीकरण किया गया है, तो इस प्रकार की खेती को हम सघन खेती के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस खेती के अंदर यहाँ पे हम देखें तो कैसे को पाक हैं, कैसे जो क्रॉप्स हैं वो उगाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो रोकड़ीय प्रकार के जो पाक हैं वो उगाए जाते हैं। अहीं यहाँ पे हम देखें तो हेक्टर के दिट यहाँ पे उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। इस प्रकार की खेती के हम देखें तो वावेतर किस तरह से यहाँ पे होता है, तो इसके विस्तार का प्रमाण है वो सबसे ज़्यादा होने के कारण ऐसी खेतियों के अंदर आर्थिक वर्तन है वो महत्व का होने लगा है। तो इस खेती को हम व्यापारी खेती के नाम से भी जान सकते हैं, कॉम्बिनेशन फार्मिंग के नाम से इस खेती को भी हम जान सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह से इंडिया में अलग अलग जो टाइप्स के जो फार्मिंग है वो की जाती है, तो जो भारत को आर्थिक रूप से बहुत ही महत्व के माने जाते हैं। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ये जो आगे का टॉपिक है वो है फार्मिंग मेथड, यानी जो कृषि की जो पद्धतियाँ हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसे घर पे रिवाइंड करें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।